नमस्ते, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हमने माखन मिश्री का भी प्रसाद बनाया था। माखन जो रेडीमेड मिलता है वो बनाए थे, क्योंकि घर में जो था उसमें से घी बना लिए थे, तो उसमें इस टाइप का ये मिश्री डाली थी। और पंचामृत जिसमें दही, दूध, घी, शक्कर और हनी शहद डाला था। और इसके अलावा गंगा जल भी आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि काफ़ी तैयारी हो चुकी थी, और अभी हरतालिका तीज भी आ रही थी, उसकी भी साथ साथ तैयारी चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ। आई होप सो आप अंडरस्टूड करेंगे, और थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम आ चुके हैं। लौकी लौकी को पील कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं लौकी लौकी की बर्फी। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट का भी बर्फी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास लौकी रख रखी थी इसीलिए हमने इसी का यूज़ किया है। ये 29 तारीख को बनाया था, जिस दिन जन्माष्टमी के पहले दिन बनाया था, ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, जल्दी निपट जाए। पील कर लिया है, वॉश करके थोड़ा देर छोड़ दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए, ड्रेनेज हो जाए, और फिर उस कद्दूकस कर लिया है। दो लौकी का इतना सारा बन गया है। अभी आ गए हम किचन में, और एक नॉनस्टिक वाला पैन लिया है ताकि उसमें लग ना जाए, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो जाते हैं तो फंक्शनैलिटी को लाना ज़रूरी हो जाता है। नॉनस्टिक पैन में डाल देंगे सबको, इसके पानी सूखने तक हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका जो पानी है फटाफट सूख जाए।
पूरा पानी सूखने के बाद 2 कटोरी जितना शुगर ऐड करेंगे। हम कम या ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा खोवा है वो डाल देंगे, इसी के वजह से हमने थोड़ा सा शुगर कम डाला है। लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जब शुगर डालते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, तो फिर पानी छूटता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी चलाएँगे। साथ ही साथ पैरेलल काम करते रहेंगे, ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा कट कर लेंगे। पानी सूखने के बाद हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और जो पानी वाला नारियल होता है जो हमारे पास रख रखा था, तो हमने उसको कद्दूकस करके उसी में डाल दिया है, ताकि इसका जो फ्लेवर है और उभर के आए। लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये अभी इस स्टेज पे आ चुका है कि वो बर्फ़ी बन जाएगी। देखिए, हमें कोई पाक वगैरह नहीं बनाना है, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए, दैट्स इट। कोई तार वगैरह तोड़ने की या कोई एक तार की चाशनी भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा चिपकना चाहिए, बस हो गया। लगातार चलाते जाएंगे और साथ ही साथ पैरेलल काम चलाएंगे, क्योंकि काम जब फटाक से कंप्लीट करना होता है तो साथों साथ भी काम करना पड़ता है। तो साथ ही साथ चलाते रहेंगे और इलायची के जो कवर है वो हटा के उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे और फिर कूटेंगे उसको, फिर इसमें ऐड करेंगे। ये घी है, 3 चम्मच के आसपास घी ऐड करेंगे। घी पहले ऐड नहीं किया, क्योंकि उसका जो इसेंस है ना वो हट जाता था ना, क्योंकि वो पानी आप जानते हो सभी, लौकी जब भूनते हैं तो उसका पानी ज़्यादा निकलता है, तो हम नहीं चाहते थे जो घी का जो फ्लेवर है, जो इसेंस है वो हट ना जाए, इसीलिए घी भी ऐड किया, ये इलायची का पाउडर भी ऐड किया। साथ ही साथ हमने जो थोड़ा सा खोवा बचा था घर पे, 100 ग्राम के आसपास होगा, वो भी ऐड किया था और लगातार चला रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें भी चला रहे हो, और साथ ही साथ बाजू में एक थाली लिए है, उसे थोड़ा सा घी ऐड करके उसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम बर्फ़ी को जमाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं, सटीक से निकलेगी। ये देखिए, ये हो चुका है, अभी थोड़ा सा छोड़ के, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गैस हमने पहले ही बंद कर चुके थे, जब इलायची पाउडर ऐड किया था तभी हमने गैस बंद कर दिया था, और अब ये थाली में डालेंगे। देखिए अभी कितना गर्म है, और चमचे से इक्वली स्प्रेड कर देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। इक्वली स्प्रेड करेंगे, अच्छे से दबा दबा के स्प्रेड छोड़ देंगे, ताकि जब बर्फ़ी निकालेंगे तो वो इकट्ठा निकले, और उसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता कट करके डालेंगे। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बादाम के पिस्ट ऊपर से लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास पिस्ता था तो हमने उसी से डेकोरेट किया था। सिल्वर जो फॉइल आती है उसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पिस्ता डालने के बाद चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि वो निकले ना, अच्छे से चिपक जाए। इसके अलावा हमें तभी उसको काट दिया था चाकू से, क्योंकि फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा वो जम जाता है तो फिर थोड़ा सा कटिंग करने में दिक्कत आती है ना, इसीलिए हमने पहले ही जब वो स्प्रेड किया, फिर वो पिस्ता डाला दबा के, फिर तभी नाइफ से कट कर लिया था। आई होप सो आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये स्वीट पसंद आया होगा। आप घर पे ज़रूर ट्राई करना और हमें ज़रूर बताना ये कैसी बनी थी करके।